गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में फलूदा खाने का तो मज़ा ही अलग होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर पे ही फलूदा आइसक्रीम बनाई जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो है ही है, साथ ही साथ में से बनाने का तरीका जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेनी है, उसमें मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है और आधा लीटर दूध लेने के बाद हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। तो जैसे ये उबलता जाएगा ना तो साइड में जमता भी जाएगा, तो हमें क्या करना है ना, साइड से जितनी भी इसकी मलाई निकलती है ना वो सारी बार बार दूध में डालते रहना है, और साथ ही साथ में जैसे ही ये उबल जाए ना तो हमें फिर लो फ्लेम कर देना है और लो फ्लेम के बाद फिर हाई फ्लेम करना है, ऐसे ही करके इसे गाढ़ा होने रखना है। फिर एक कटोरे में हम यहाँ पे दूध लेंगे और उसमें ना 3 चम्मच लगभग मिल्क पाउडर डाल देंगे। दूध हम यहाँ पे ना आधा कप ले रहे हैं और उसमें 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। फिर जो हमारा दूध है वो भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है तो उसमें ना हम इसी चीज़ को डाल देंगे। इससे क्या है ना, जो हमारा ये जो दूध गाढ़ा हो चुका है ना वो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़े दूध से ही हमेशा जो है ना आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनती है। तो फिर इसे उबलने के लिए रखेंगे और जैसे ही उबल जाती है ना तो हम ना इसमें एक इलायची को भी डाल देंगे और फिर ना इसे अच्छा खासा मिक्स कर देंगे, और इस दूध को तब तक उबालते जाएंगे जब तक जो ये दूध है वो एकदम हाफ नहीं हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ना मीठा वाला दूध ही लिया है, अगर आप मीठा दूध नहीं लेते हैं तो आप इसमें शुगर को ज़रूर ऐड करना। तो जैसे ही हमारा दूध जो है एकदम हाफ हो चुका है तो हम कुछ इस तरह की ट्रे लेंगे जो कि आइसक्रीम वाली ट्रे होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी बर्तन भी ले सकते हो यहाँ पे। फिर इसमें इस दूध को डाल करके आपको इस थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना है और उसके बाद में ना जमने के लिए रख देना है। तो 1 से 2 घंटे में आराम से जम करके रेडी हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम यहाँ पे फलूदा शेक बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरे में 1 चम्मच शक्कर ली है और इसमें मैंने लगभग 2 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लोर ले लिया है। देन मैं यहाँ पे रोस्टेड थिन सेवइयाँ ले रही हूँ, तो सेवइयाँ आपको रोस्टेड लेनी है, फिर आपको इसमें डाल देना है। फिर मैं यहाँ पे रोज़ कलर ले रेड कलर का कलर ले रही हूँ, तो हम यहाँ पे रेड कलर डालेंगे 2 से 3 बूंद, और फिर हम रोज़ का एसेंस भी डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स, हम रोज़ एसेंस भी इसमें डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, एक पैन ले लेंगे, उसमें ना हम यहाँ पे लगभग 300 ml दूध लेंगे। तो ये छोटे ग्लास हैं 150 ml वाले ऑलमोस्ट, तो 300 ml दूध लेना है। और जैसे ही ये दूध उबलना शुरू होना तो 1-2 उबाल में ही ना आपको जो हमने पाउडर बनाया है ना वो आपको इसमें डाल देना है, और डालने के बाद ना इसे अच्छा खासा चलाते रहना है लगातार जब तक कि थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखोगे हल्का सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दिया है, फिर हम इसे अच्छा खासा घुमाते रहेंगे और 5 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और फिर इसे ठंडा होने के बाद ना हम इसे ग्लास में सर्व करेंगे। तो मैंने इसमें ग्लास में आधा ग्लास भर लिया है, देन मैं यहाँ पे आइस क्यूब्स डाल रही हूँ, और जो हमने आइसक्रीम बनाई थी यहाँ पे हम उस आइसक्रीम को भी ना इसमें डाल देंगे। ध्यान रखना शेक को भी ना हमने ठंडा ही कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे इसमें जेली डाली है, जो कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताई थी कि मैंने जेली कैसे बनाई है, अगर आपको नहीं पता तो आपको उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको ना इसमें फिर से फलूदा वाला शेक डाल देना है, और उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स डाल के और आइसक्रीम डाल देनी है, और हमारा फलूदा शेक बन करके तैयार है। और सच बताऊँ ये जितना दिखने में टेस्टी लग रहा है ना उतना ही ज़्यादा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सबसे बेस्ट ड्रिंक है समर्स का। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करना। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।